अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होगे। आज मैं आपको सिखा रही हूँ केएफसी स्टाइल चिकन बनाना, वो भी मैं जैसे घर में बनाती हूँ। चलें, छः सौ ग्राम चिकन लेंगे हम, जिसमें लेग्स और थाइज हैं ज़्यादातर। अब इसमें डालेंगे हम दही, दही 3 टेबलस्पून डाल लें आप। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून विनेगर, अब हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, वन टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट जाएगा। सब कुछ डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी मैरिनेशन सेट हो जाए। और जो बड़े पीसेस हैं चिकन के, उसमें आप लोग कट्स लगा लें। ये देखें जी, सब कुछ हम मिक्स कर रहे हैं। ये ऐसी क्रिस्पी चिकन है कि आप लोग अपने बच्चों को एज अ स्नैक भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, और शाम के चाय के साथ एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब तो बहुत अच्छा और बहुत ही क्रिस्पी होता है, ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत टेंडर बनता है ये चिकन। एग्जैक्ट फॉलो करें रेसिपी को। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसको एक दिन के लिए मैरिनेशन रख दूंगी और नेक्स्ट डे इसको फ्राई करूंगी। तो देखिएगा कितना अंदर से अच्छा और टेस्टी होता है और बहुत ही सॉफ्ट भी होगा। तो चलें जी, इसको मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में। रख लें आप, इसको रैप करके फ्रिज में रख लें। अब है नेक्स्ट डे, तो अब इसमें एक जगह हम लेंगे 1.5 कप मैदा, उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब कुछ। और एक साइड पे मैं ले रही हूँ चिल्ड वाटर। अगर आपका चिल्ड नहीं है वाटर, तो आइस क्यूब्स डाल लें और इसी वक्त चिल कर लें वाटर को। एक बाउल में ले रही हूँ और ये भी एक ट्रे में ले रही हूँ, ताकि आराम से काम हो सके जो हमने आगे करना है। तो आप भी इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। ये देखें जी, मिक्स हो चुका है। अब हम चिकन को फिर से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब एक एक पीस लेकर इसको हम डिप करेंगे मैदे में, एक हाथ से कोट करेंगे और एक हाथ से रोटेट करते जाएंगे। अच्छे से कोटिंग हो जाएगी जब मैदे की, तो फिर हम इसको पानी में डालेंगे। बिल्कुल चिल्ड वाटर में मैं इसको अब डालने लगी हूँ, और डालना बिल्कुल 1 या 2-3 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा आपने रखना नहीं है अंदर। 3 सेकंड से ज़्यादा डालें और निकाल लें। अब फिर से हम मैदे में कोट करेंगे। ये देखें जी, अच्छे से कोट कर रहे हैं हम, डबल कोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि ऊपर से क्रिस्प जो है वो चिकन का बहुत अच्छे से आए और स्टे करे इसके ऊपर। इसी तरह सारे चिकन पीसेस को हम कोट कर लेंगे मैदे में। सेकंड को भी सेम हम पहले मैदे में डिप करेंगे, एक हैंड से कोट करेंगे और फिर पानी में डाल देंगे। ये देखें जी,
पानी में हमने इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना। फिर से हम मैदे की कोटिंग कर रहे हैं और इसी तरह सब चिकन पीसेस को कोट कर लेंगे मैदे में। हाँ जी, अब है फ्राइंग की बारी। ऑयल ले लेंगे, ऑयल को गरम करेंगे, डीप फ्राई करना है हमने चिकन को। ये देखें जी, चिकन के पीसेस अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर। और ऑयल अच्छे से गरम हुआ हो तभी आप डालिएगा, ऑयल गरम ना हुआ तो नीचे लगने का खतरा होगा। पीसेस मैंने डाल दिए हैं। जो नॉर्मल साइज़ के पीसेस हैं उनको हम एक साइड पे 7 मिनट्स के लिए कुक करेंगे और फिर टर्न करने के बाद 5 से 7 मिनट पकाएं। और अगर आपको कोई पीस बड़ा लग रहा है तो आप 9 मिनट्स के लिए उसको पकाएं एक साइड पे और फिर टर्न करके 9 मिनट्स दूसरे साइड पे पकाएं। फ्लेम को आपने इस वक्त जो है मीडियम टू हाई में, जब आप बिल्कुल डालेंगे चिकन को, थोड़ा सा होने लग जाए तो मीडियम पे आ जाएं फ्लेम को। देखिए मैं टर्न कर रही हूँ इसको। ये जो बड़ा वाला पीस है इसको मैं 9 मिनट्स तक पका रही हूँ और बाकियों को 7 मिनट। एक साइड पे कुक हो जाए तो फिर टर्न कर लें, दूसरी साइड पे कुक करें इसको। ये देखें जी, कलर देखें अच्छे से आ चुका है चिकन पे और टाइम भी हो चुका है चिकन का, तो मैं इसको निकाल रही हूँ अब। नॉर्मल साइज के पीसेस को मैं निकाल रही हूँ क्योंकि उनका टाइम हो चुका है। ये जो थोड़ा सा बड़ा पीस है इसको मैं रहने दूंगी 9 मिनट्स के लिए। अब बाकी के पीसेस भी मैं डाल रही हूँ। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है अभी। इसका टाइम पूरा हो गया है 9 मिनट्स, तो इसको अब मैं निकाल रही हूँ और बाकी पीसेस को सेम वही एक साइड पे 7 मिनट्स पकाएंगे और दूसरी साइड पे टर्न करके 7 मिनट्स पकाएंगे, तो अच्छे से कलर भी आ जाएगा और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएगा चिकन। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें। शाम के टाइम कोई पार्टी आप लोग अरेंज कर रहे हैं या टी टाइम पे खुद घर में हैं तो एज अ स्नैक ये बहुत मज़े के होंगे और बहुत ही क्रिस्पी और सबको बहुत पसंद भी आते हैं, तो आप ज़रूर ये घर में ट्राई करें। और बच्चों के तो मोस्ट फेवरेट होते हैं। तो जी ये फ्राई हो रहा है, क्रिस्पी चिकन बहुत ही मज़े का बनता है। अब सब फ्राइंग हो चुकी है, अब मैं टेस्ट करने लगी हूँ। यम्मी, बहुत मज़े का है। सबसे बड़ा वाला पीस मैंने इसलिए टेस्ट किया कि अंदर से बहुत टेंडर है, और ये दूसरी बाइट आप लोगों के लिए। जी बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी ट्राई करें। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।